आज के दौर में 25,000 के अंदर में काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं और इसमें से बेस्ट को पिक कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर फोन वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप चार ऐसे स्मार्टफोन देखेंगे जो 25,000 के अंदर में बेस्ट स्मार्टफोन है जो शायद आपके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट भी हो सकते हैं, तो आप चाहें तो इसे एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट भी कर सकते हो। Redmi K50i, वेल अगर आपको एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है क्योंकि इसमें आपको MediaTek Dimensity 8100 देखने को मिलता है जो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, और अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो या बहुत ज़्यादा हेवी यूज़र हो तो ये फोन आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकता है विदाउट एनी शटर और लैग, और साथ ही साथ इसमें आपको कूलिंग चैम्बर भी देखने को मिलता है जिसकी वजह से इसमें आपको कोई भी हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं अब इसके कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटोज निकाल के दे सकता है आपको, और खासकर डे लाइट फोटोग्राफी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है, और साथ ही साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, और साथ ही साथ इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है और ये भी अच्छी फोटोज निकाल लेता है। और मैं अगर इसके बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें आपको 5080mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 67W की फास्ट चार्जिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है, और अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी यूज़र हो तो ये आपको कम से कम एक दिन आसानी से निकाल करके दे देगा। इसमें बस एक ही कौन सा है, वो है इसका डिस्प्ले जो कि 144Hz का है लेकिन LCD पैनल है, लेकिन अगर आपको LCD पैनल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस फोन को एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। OnePlus Nord CE 3, वेल अगर आप OnePlus के फ़ैन हो तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है इन द कंपैरिजन ऑफ OnePlus 11R और OnePlus का Nord 3। तो चलिए इस फ़ोन के सबसे बेस्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, अब वो है इसका डिस्प्ले। इसमें आपको एक 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है विथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इसका जो कलर्स है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और पंची है, और इसमें आपको वाइड 1.11 का सपोर्ट देखने को मिलता है और HDR10+ का भी सपोर्ट है, मतलब आप बहुत ज़्यादा मीडिया कंजम्पशन करते हो तो उसके लिए ये फ़ोन बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, और साथ ही साथ इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस हाईरेस ऑडियो भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर मैं इसे कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और इसका जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल OIS वाला सोनी का MX890 सेंसर है, वही सेंसर जो OnePlus 11R और OnePlus Nord CE में यूज़ किया गया है जिसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटोज़ निकाल सकता है। और मैं अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो इसमें आपको 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जिसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटोज़ निकाल सकता है, और साथ ही साथ मैं अगर इसके बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है विथ 80W की फास्ट चार्जिंग, मतलब अगर बहुत ज़्यादा हेवी यूज़र है तो ये आराम से एक दिन निकाल करके दे देगा, लेकिन सपोज दैट अगर आपका फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज ड्रेन कर देता है तो आप कुछ ही मिनट में उसको फुल चार्ज कर सकते हो। वेल अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको क्वालकॉम का Snapdragon 782G देखने को मिलता है, और अगर आप मिनिमल यूज़र हो या कोई भी मिनिमल गेमिंग करते हो तो आपको कोई भी लैग और शटर देखने को नहीं मिलेगा। और इस फोन का बेस्ट पार्ट इसका OxygenOS भी है जो कि बहुत ज़्यादा क्लीन है और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी है, और इसमें आपको कोई भी एडवेयर और ब्लूडवेयर देखने को नहीं मिलेगा। वैसे इस फोन में कौन सिर्फ यही है कि इसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है और OnePlus का आइकॉनिक एलर्ट स्लाइडर मौजूद नहीं है, और इस फोन का यूजुअली प्राइस 26,000 रुपये है लेकिन बैंक ऑफर और डिस्काउंट मिला के ये फ़ोन आपको 25,000 के अंडर में मिल जाएगा। Realme GT 2, वेल ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है पर फिर भी जिस प्राइस ब्रैकेट में जिन चीज़ों को ये लेकर के आता है तो उसकी वजह से ये अपने प्राइसिंग को बहुत इजीली तरीके से जस्टिफाई करता है। तो चलिए सबसे पहले इसके डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। वेल जिस वक्त ये मार्केट में आया था उस वक्त इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और जिसकी वजह से लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। और मैं अगर इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें आपको एक 120Hz रिफ्रेश रेट वाला एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वेल अगर मैं इसे कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX766 सेंसर देखने को मिलता है जिसके जरिए काफी ज्यादा अच्छी फोटोज निकाल सकता है, और अगर मैं इसके बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 65W की फास्ट चार्जिंग, मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और आपको ये एक दिन आराम से निकाल करके दे देगा, और साथ ही साथ इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। वैसे इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट इसका प्रोसेसर है क्योंकि इसमें आपको फ्लैगशिप लेवल वाला Snapdragon 888 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा पावरफुल और फास्ट प्रोसेसर है। Realme Narzo 60 Pro, वेल ये फ़ोन लुक वाइज तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और कूल मालूम देता है, लेकिन अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें आपको एक 6.7 इंच का फुल HD कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है विथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और अगर आप बहुत ज़्यादा मीडिया कंजप्शन करते हो तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और इसी के साथ इसमें आपको 100 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फोटोज़ निकाल सकता है। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको MediaTek का Dimensity 7200 देखने को मिलता है, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है और आपको इसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं इसके बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूँ, इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है विद 67 W की फास्ट चार्जिंग, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है और आपको एक दिन आराम से निकाल करके दे देगा ये। और अगर मैंने आपके किसी फेवरेट फ़ोन को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया तो आप प्लीज़ इस बात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको एक अच्छे स्मार्टफोन चाहिए 20,000 के अंडर में, तो इस वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।